आज का सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। इस बसड़िया ओरिएंटल आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर इंटक के समर्थकों ने चलाई गोली और बम। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जिला प्रशासन और ऑटो चालकों के बीच बैठक रहा विफल। दूसरे दिन भी हड़ताल रहा जारी। आम लोग हो रहे हैं परेशान। नक्सली द्वारा रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह की हत्या के विरोध में धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने किया पेंड ऑफ हड़ताल। जिला प्रशासन से लगाई अपनी सुरक्षा की गुहार। और पानी की समस्या को लेकर बरोड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने बीसीसीएल ए के मुराईडी और मधुकोन आउटसोर्सिंग का किया चक्का जाम। अब खबरें विस्तार से। कोयलांचल में आउटसोर्सिंग अब रणभूमि क्षेत्र बन चुका है। नेता और आउटसोर्सिंग के दलाल अपने वर्चस्व को लेकर गोली बम चलवा रहे हैं, जिसमें पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। अभी दुबारी कोलेरी का मामला थमा भी नहीं था कि आज इस बसेड़िया थाना अंतर्गत निश्चितपुर में संचालित ओरिएंटल आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर अंधाधुंध गोलियां और बम चलाई गई। आपको बता दें कि आज इंटक के बैनर तले अस्थायी बेरोजगारों के नियोजन की मांग को लेकर वैभव सिन्हा ने बंद का ऐलान किया था। आज इंटक के जिला अध्यक्ष वैभव सिन्हा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आउटसोर्सिंग को बंद करने गए थे। वहीं बंद करने के दौरान इंटक के समर्थक और कंपनी के दलालों के बीच झड़प हो गया। देखते ही देखते पूरा आउटसोर्सिंग रण क्षेत्र में बदल गया। जिसमें कई राउंड गोलियां और बम चलाई गई। सूचना मिलते ही इस बसड़िया ओपी प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की। वहीं इस झड़प में ओपी प्रभारी को भी चोट आई। इसकी सूचना मिलते ही भूली तेतुलमारी के पुलिस और कतराज अंचल के इंस्पेक्टर भगवान दास मौके पे दल बल के साथ पहुंच गए और उग्र लोगों पर लाठी चार्ज किया, स्थिति को नियंत्रण किया। स्थिति को देखते ही इंटक के जिला अध्यक्ष वैभव सिन्हा अपने समर्थकों के साथ वहां से भाग खड़े हुए। वहीं पुलिस बम चलाने वाले दो युवक को बम सहित गिरफ्तार कर लिया। पीछे हाँ फटवा फटवा क्या पता चला वाला काल है। अच्छा अच्छा नहीं रुक जाइए, आप बहुत जबरदस्ती करना पड़ा। सीधा सीधा कर ना। हाँ दूसरा पिता है इसमें भरा हुआ जिंदा के पास था, जो मम्मी पर गई थी किस तरह जबरदस्ती लूट के लाए लोग, जबरदस्ती लूट सब बरामद कर लिए। बड़ी सा मारा है, बड़ी गाली दिया है, पकड़ दिया। और वैभव सिन्हा, शहनवाज खान, मोहम्मद जासिम, भरत यादव, पप्पू पेंचर, सुमान खान सहित 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर का मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में इस बसड़िया ओपी प्रभारी मिर्चैया पांडेया ने हमारे संवाददाता दीपक परमानी से बातें की। बंद किया हुआ था पति भगवान था, जो तो हुआ है जिंदा है, दो आदमी को गिरफ्तार किया गया।
क्या नाम है सर गिरफ्तार वाले का? अभी पूछताछ नहीं की, पूछताछ करके कितने बम कितने गोले थे सर? गोली तीन आवाज आया था। बम कितना चला गया? बम तो लोग खदेड़े तो मिला रास्ता में और एक पॉकेट से बरामद हुआ। यहाँ का कर्मी भी कोई घायल है? नहीं नहीं अभी कर्मी कोई घायल नहीं है। आउटसोर्सिंग के लोगों ने भी हमारे संवाददाता दीपक परमानी से बातें की। बैठे हुए थे, अचानक लगभग 100-150 की संख्या में इंटक का लोग आए। बंदी का दिया हुआ था अवैध, तो हम लोग थाना को ऐसे दो दिन पहले सूचित थे, थाना DSP लाइन ऑर्डर को सूचित कर दिए थे बंदी का, लेकिन वो लोग को वार्ता के लिए कई बार हम किया गया लेकिन वार्ता के लिए वो लोग आए नहीं। आते ही सारे गोली बम चलाना शुरू कर दिया, अंधाधुंध गोली और बम चलाया। कितने लोग घायल है इसमें? इसमें हमारा एक वर्कर घायल है। गिरफ्तारी किसी की हुई है? गिरफ्तारी चांद खान का हुआ है शायद, ये तो मुझे पूरा पता है, लेकिन उसी का घर किसी का जारी हुआ है अभी तक सूत्रों के अनुसार से हमको पता चला है। लेकिन काफी भय यहाँ के ग्रामीणों पर है और यहाँ के रोजगार जो काम कर रहे हैं यहाँ के मजदूरों पर, ये लोग काफी समय में है, हम लोग भी डरे हुए हैं। प्रशासन यहाँ का जो एक कंपनी आया है उनका कंपनी यहाँ के रैयत और यहाँ प्रभावित को नौकरी दे चुका है, लेकिन कुछ दबंग ढंग का आदमी भिन्न जगह से लेके आया और यहाँ पर गोली बमबारी जो किया है, जो यहाँ ग्रामीण को डराने का कोशिश किया है, लेकिन यहाँ का ग्रामीण बम और पिस्तौल से डरेगा नहीं। जो भी माफिया ढंग के आदमी यहाँ रंगबाजी करने आएगा उसको यहाँ का ग्रामीण खदरेगा, बाद में यहाँ का कंपनी वाला कुछ करेगा, यही हमको कहना। और कोई ऐसा अगर आता है तो उसके साथ भी यही कर्म होगा। अगर रंगी करने के लिए आता है, देखिए जब यहाँ बनी ऑलरेडी ग्रामीण को नौकरी दे चुका है तो अब इसको यहाँ बम पिस्तौल चला कंपनी भगाना चाहता है, इसलिए यहाँ का ग्रामीण यहाँ का बेरोजगार कभी कंपनी को जाने देगा? कंपनी के लिए हमेशा हम लोग खड़ा रहे। पहले से बमबारी कौन? बमबारी वही लोग किया है जो आज बंदी एक चिट्ठी दिया था, सूचना दिया था हर जगह लिखित में, उसके बाद आके बमबाजी करने लगा। तो यहाँ का जो मजदूर लोकल जो खट रहा था वो लोग बर्दाश्त कैसे करेगा? एक मजदूर को मेरा लग भी गया है, यहाँ के ग्रामीण दहशत में डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ ग्रामीण डरते थोड़ो, फिर तो तेवर उसको ग्रामीण देखकर तैयार रहते। रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह को नक्सली ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसी के विरोध में आज धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पेन डॉप हड़ताल किया और विरोध जताया। अधिवक्ताओं ने वीरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किया तथा उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना किया। वहीं अधिवक्ताओं ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर शीघ्र ही धनबाद आरक्षी अधीक्षक राकेश बंसल और धनबाद उपायुक्त कृपानंद झा से मिलेंगे। हमारे संवाददाता ने अधिवक्ताओं से बातें की। कुछ दिनों से अधिवक्ताओं पर अपराधियों का हमला जारी हो गया है, सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। कल की बात है, परसों की बात है कि हमारे एक वरीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार जी को अपराधियों ने अंधाधुंध गोली मार करके उसको हत्या कर दी गई। जब दिनों देखा लखनऊ में कोर्ट में, इस तरह पूरे देश में कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं को जानबूझकर अपराधियों का शिकार होना पड़ रहा है, और इस मध्य में जो न्याय का रक्षा करते हैं, जो अधिवक्ता पूरे देश का रक्षा करते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, उनके लिए रक्षा का उनके लिए सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, जिससे हम लोग काफी आक्रोशित हैं। और झारखंड स्टेट बार काउंसिल की तरफ से हम लोगों ने एक आपात बैठक कल की थी और उसी के निर्णय के आलोक में कि हम लोग एक विरोध प्रस्तुत करने के लिए कि हम लोग सभी अधिवक्ता एक साथ हैं, किसी भी अधिवक्ता के साथ किसी तरह का कोई अन्याय कोई करता है तो उसे किसी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका मुंहतोड़ हम लोग जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। धनबाद के ऑटो चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इस बेमियादी हड़ताल से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पूरे जिले में ऑटो चालकों ने जिला प्रशासन के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह ऑटो चालकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज जिला प्रशासन के विरोध में जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। Yeah!
हमारे संवाददाता ने प्रदर्शन कर रहे ऑटो चालकों से बातें की। खराब किया चाहे शादी ब्याह है तो हम अपना गाड़ी लेकर ही रिजर्व लिख करके जाएंगे, उसको मान्यता देना जरूरी है। और हम लोग का कोई दिन नो पार्किंग है, जहाँ तहाँ गाड़ी जैसे रुक रहा है उसका रूट का व्यवस्था करना चाहिए एसपी साहब को। कागजात रहते हुए भी कोई चेक चक नहीं हो रहा, थाना में सीधे घुसा दिया जा रहा है और 100-200 रुपया लेकर के वहीं छोड़ दिया जा रहा है, सीजर काट दे रहा है। जब हम लोग रूट में चलने के अलावा हो गया तो हम लोग रूट में चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तहाँ पुलिस वाला रोक करके 100-200 रुपया हाइट ले रहा है कि रोड नहीं है, ये फलाना ठिकाना करके गाड़ी ले चलो अंदर, डर के मारे दे रहा है। 10,000 फाइन। तो हम लोग को रूट में चलेंगे लेकिन रिजर्व हम लोग को चलना चाहिए। कब तक हड़ताल पे आप लोग? हम लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे, जब तक हम लोग को रूट और रिजर्व का नहीं मिलेगा परमिशन तब तक हम लोग है। वो तो जिला प्रशासन दोषी है, हम लोग तो चलाने के लिए। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और ऑटो चालकों के बीच घंटों वार्ता हुई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला और वार्ता विफल रहा और हड़ताल जारी है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन धनबाद के आम लोगों को इस परेशानी से कैसे निजात दिलाती है। इधर धनबाद जिला ऑटो महासंघ इस बेमियादी हड़ताल का विरोध कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने एसडीओ अभिषेक श्रीवास्तव से बातें की। दुरुस्त करने के लिए आरक्षी अधीक्षक महोदय ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि टेम्पो के पीछे वाले सी बैक साइड में एक परमानेंट रॉड लगाया जाए, उससे होता है कि दाहिने और उतर जाते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना है, तो उस दुर्घटना से बचने के लिए रॉड लगाने की बात है। साथ ही साथ जो भी कोई भी आदमी न चले इधर उधर का आदमी, तो हर ड्राइवर एक यूनिफॉर्म में रहे, उसका वर्दी जो है वो नीला रंग का है ना, नीला रंग का वर्दी पहने, नेवी ब्लू। और दूसरा है कि वो रूट पे चले, अभी क्या होता है बेतरतीब जाते हैं, कोई बाया गया कोई दाया गया, तो अभी सभी रूट पे है। इन लोगों के साथ एक समस्या थी कि हम रिजर्व वाला क्या करेंगे, तभी डीएसपी ट्रैफिक साहब ने बताया कि 10 इंच बाय 8 इंच का एक ब्लू बोर्ड पर रिजर्व व्हाइट रंग से लिख लें और अपने शीशा पर व्हाइट रंग से ऊपर में लिख दें रूट को, तो उसके बाद अगर कहीं पर कोई परेशानी हो तो डीएसपी साहब से वो टेलीफोन पे कॉन्टेक्ट करें, मोबाइल पे 24x7 ये सुलभ है, उपलब्ध है। और रिजर्व जो है वो रिजर्व लेगा और रिजर्व को जिस गंतव्य तक जाएगा सामने के सीट पे किसी को नहीं बैठाएगा, वो पीछे के सीट पे ही जो कैपेसिटी है उतना ही बैठाएगा, कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं, और वो बीच में कोई भी पैसेंजर को लेगा नहीं। टेम्पो संघ की ओर से कुछ ड्राइवर्स आए थे, कहते थे हम कोई संघ नहीं है, लेकिन जो भी प्रतिनिधिगण आए थे उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की और हमें लगता है कि ये लोग अपने आपस में बात करके अभी हड़ताल समाप्त कर लेंगे। अल्प ठहराव के लिए कहीं कहीं पर जगह इन लोगों का डिमांड था, वो डीएसपी ट्रैफिक और डीटीओ साहब मिलकर उसको देख लेंगे, एक दो दिन में उस पर उसकी जगह बोर्ड लगवा देंगे। अवैध वसूली कहीं है ही नहीं, अगर अवैध वसूली हो रही है तो वो संबंधित नियरेस्ट थाना में जाकर FIR दर्ज करें और पुलिस कार्रवाई करेगी नियमानुसार, और अगर FIR लेने से पुलिस नहीं मुकर जाती है तो इसकी सूचना हमें दें। जुर्माना के लिए दो नियम है, एक है कि वो ट्रैफिक डीएसपी स्वयं कॉम्पिटेंट है वो फाइन करने के लिए, और दूसरा है उसको प्रोसिक्यूशन के लिए भेज दें सिविल कोर्ट में। तो अभी वर्तमान में वो कई एक अवैध वसूली के नाम पर लोग जुर्माना देने में भी अनावश्यक विवाद करते थे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू, तब तक बने रहिए आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। धनबाद स्थित रतन विहार होटल में लोक जनशक्ति पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजीत सिंह ने बताया कि आज लोजपा श्रमिक की प्रकोष्ठ बैठक की गई, जिसमें जनशक्ति मजदूर सभा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास रंजन सिंह को बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजीत सिंह ने विकास सिंह को माला पहनाकर सम्मानित किया। हमारे संवाददाता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजीत सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विकास रंजन सिंह से बातें की। आज झारखंड प्रदेश लोजपा लेबर सेल के मजदूर इकाई जनशक्ति मजदूर सभा का गठन किया गया, जिसमें विकास रंजन उर्फ पप्पू सिंह को झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है
उनके साथ श्रमिक नेता शिवशंकर प्रसाद जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्याम नारायण सिन्हा को प्रदेश का महासचिव बनाया गया है। और मुझे आशा और विश्वास है कि श्री पप्पू सिंह सिन्हा जी और शिवशंकर प्रसाद जैसे कर्मठ और जुझारू श्रमिक नेता हमारे संगठन में आए हैं, इनके आने से जनशक्ति मजदूर सभा का विस्तार पूरे झारखंड प्रदेश में होगा और ये सब मिलकर मजदूरों की लड़ाई को लड़ेंगे, उनकी समस्याओं से सरकार को अवगत कराएंगे और समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और आगे का कार्यक्रम क्या है श्रमिकों को? आगे का ये हमारा कार्यक्रम है कि मजदूर संगठन जो जनशक्ति मजदूर सभा हमारा है लोजपा का मजदूर सेल, इसका विस्तार पूरे झारखंड प्रदेश में हो और विभिन्न तरह के काम में लिप्त मजदूर चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या गैर सरकारी क्षेत्र में हो उनकी समस्याओं से ये लोग अवगत होंगे और उनकी समस्याओं को समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो समस्या होगी ये अपने स्तर से प्रयास करेंगे, जो समस्या भारत सरकार से जुड़ा हुआ मामला है उसको है हमारे नेता रामविलास पासवान से अवगत कराएंगे और माननीय रामविलास पासवान जी से हम लोग प्रयास करेंगे कि मजदूरों की समस्या को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से संबंधित मंत्रियों से पास जाए लेकर जाएंगे और उनसे उनका उचित समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। इसमें ये पद का गरिमा दिखाएंगे और जो भी मजदूरों के साथ समस्या रहेगा उसके साथ हम मजदूर को अपना जो उसकी सही काम है उस काम के मुताबिक हर तरह का कोई तरह का दिक्कत ना हो समस्या का समाधान करने के लिए मजदूरों को आपस में जोड़ेंगे, मजदूरों के सही काम और सही तरीका से चलने के लिए नियमतः जो काम होगा उसके लिए हम पूरे काम करेंगे। निस्सा प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय में अभिभावकों ने स्कूल में वितरित होने वाले वस्त्रों में घोटाले और मध्याह्न भोजन को लेकर जमकर हंगामा किया। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही हमने अपने चैनल के माध्यम से ये खबर दिखाई थी मगर जिला प्रशासन की लापरवाही से ये मामला तूल पकड़ने लगा है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को वस्त्र वितरण और मध्याह्न भोजन में जिस तरह इस बार धांधली और कालाबाजारी हुई है वैसा कभी नहीं हुआ है। अभिभावकों का आरोप है कि हेडमास्टर और कमेटी की मिली भगत से सारा खेल हो रहा है, शिक्षकों का ध्यान सिर्फ पॉकेट गर्म करने में रहता है, पढ़ाई के तरफ शिक्षकों का कोई रुझान नहीं है। आज हद तो तब हो गई जब अभिभावक मामले को लेकर थाने ले गए जहां से प्रबंधन समिति के सदस्यों को छोड़ दिया गया। दिलचस्प की बात तो यह है कि मामले को तूल पकड़ता देख मासस कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता और आसपास के वरिष्ठ नागरिक भी पहुंचे। इस मामले में पास के ही वरिष्ठ नागरिक का कहना है कि स्कूल के बाथरूम होने के बावजूद बच्चों को बाहर भेजा जाता है जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं। वहीं पूरे मामले में स्कूल के प्रधाना अध्यापक और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने सारे आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। वहीं हमारे संवाददाता ने अभिभावक दिलीप गोराई से बातें की। मेरा कहना है कि जितना मध्याह्न भोजन में या ड्रेस में ये जो हर माने इस बार जो जिस तरह का धांधली और कालाबाजारी हुआ है ये खाली कमेटी और हेडमास्टर प्रधान अध्यापक के मिली भगत में ही कालाबाजारी हुआ है और ये लोग अपना पॉकेट भरने में व्यस्त रहता है। ये जो हेड टीचर है पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम और इस सब में ज्यादा व्यस्त रहता है ये खाली हेर फेर करने। आज आप लोग हम लोग का कहना है कि जो वस्त्र जो घटिया क्वालिटी का आया है उसमें हम लोग ग्रामवासी लोग विरोध किया कि इस घटिया क्वालिटी को वस्त्र वितरण करना बंद किया जाए। उसमें अध्यक्ष आया प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष जबरन बोल रहा है जहाँ देंगे तो जिसमें हमने पुलिस को थाना वाला को खबर किया, थाना वाला आकर के लोग को पकड़ के ले गया और उसमें वहाँ पर बैठा के रखा और फिर उसका किसी का बोली चाली में फिर ये लोग को छोड़ दिया गया। मिस्टर एस चटर्जी ने भी बताया ड्रेस वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है
जो ड्रेस बच्चों को दिया जा रहा है इसमें कुछ असामाजिक लोग जो हैं जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं आकर डिस्टर्बेंस करते हैं, जबकि संपूर्ण रूप से इनका दायित्व जो है विद्यालय प्रबंध समिति और उनके ग्रुप का है, सदस्यों का है। तीन दिन देने का स्टार्ट हो गया, आज भी देखिए अंडा बन रहा है, आज भी अंडा बन रहा है। इसका फोटोग्राफी हम लोग के पास भी है, आपका न्यूज भी, न्यूज इसमें भी है कि तीन दिन हम लोग देते। हमने ये फिलहाल स्टार्ट हुआ कि तीन दिन देने का, हम लोग दे रहे हैं, पहले एक दिन देते। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज का सच में आप सभी का स्वागत है। निरसा स्थित मैथन थर्मल विस्थापित एवं स्थानीय समिति के बैनर तले पिछले 30 दिनों से एमपीएल के साइट ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित 30 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर आज एमपीएल अधिकारी के साथ एक बैठक की गई, जिस बैठक में एमपीएल के अधिकारी सहित निरसा अंचल अधिकारी जेएमएम नेता अशोक मंडल मौजूद थे। बैठक में कोई निर्णय नहीं निकला, जिसके बाद वार्ता विफल रही। पानी की मांग को लेकर बीसीसीएल का चक्का जाम। गर्मी के मौसम आते ही लोगों को पानी की समस्या से हर दिन जूझना पड़ रहा है। पानी के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसी ही पानी की समस्या है बागमारा के बरोरा पंचायत में, जहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और इसका जिम्मेवार है बीसीसीएल कंपनी, जो केवल कोयला का उत्पादन करने में मशगूल है और स्थानीय लोगों को पानी की सुविधा से वंचित रख रही है, जिससे उग्र होकर आज बरोड़ा पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने बीसीसीएल एरिया 1 के मुराईडी और मधुकोन आउटसोर्सिंग कंपनी का चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आए ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल केवल कोयला उत्पादन करने में लगी है, आम लोगों के असुविधा से इन्हें कोई मतलब नहीं है। बीसीसीएल जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि परियोजना के आसपास रह रहे लोग परेशानी से तंग आकर यहां से चले जाएं। स्थानीय लोगों को जहां एक तरफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वहीं बीसीसीएल अपनी गाड़ियों को चमकाने में पानी को बर्बाद कर रहे हैं। बीसीसीएल संवेदनशील हो चुकी है, जब तक हम लोगों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तब तक कंपनी का चक्का जाम रहेगा। बीसीसीएल के अधिकारी से जब हमने बात करने की कोशिश की तो नो कमेंट बोलकर रह गए हैं। आपको ग्रामीणों ने यहाँ पे घेरा, क्या क्या मांग क्या कर रहे हैं ग्रामीण, क्या मांग कर रहे हैं? पहले पूरा में उसे साथ है, पहले तो ये लोग बताए हैं, अभी मैं समझ लेता हूँ, दो मिनट में बताता हूँ। पानी की समस्या है सर, यहाँ पे पिछले एक महीने से पानी नहीं चली है। बताता हूँ ना, अभी पहले पूरा समझ लेता हूँ, दो मिनट में आपको पूरा बताऊंगा। आप बैठने साथ में मैं आपको जो लेना है इंटरव्यू जो लेना है, पहले वो पंप मोटर ही बोल रहे हैं, पंप मोटर की बात कर रहे हैं, पहले एरिया से बात कर रहे, समझ मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। इससे तो साफ पता चलता है कि आम लोगों के प्रति ये कितने गंभीर है। हमारे संवाददाता ने बागमारा प्रखंड के उप प्रमुख विनोद साव से बातें की। मामला सर, क्यों हंगामा क्यों हो रहा है? No comments. आखिर यहाँ पे लोग आए, ग्रामीण आया है, किस लिए आया हुआ? No comments. हमारे संवाददाता ने मुराईडी पीओ के परियोजना पदाधिकारी शिवराम से भी बातें की। आपको ग्रामीणों ने यहाँ पे घेरा, पहले समझ लेता हूँ, दो मिनट, क्या क्या मांग क्या कर रहे हैं ग्रामीण, क्या मांग कर रहे हैं? पहले पूरा में उसे साथ है, पहले तो ये लोग बताए हैं, अभी मैं समझ लेता हूँ, दो मिनट में बताता हूँ। पानी की समस्या है सर, यहाँ पे पिछले एक महीने से पानी नहीं चली है। बताता हूँ ना, अभी पहले पूरा समझ लेता हूँ, दो मिनट में आपको पूरा बताऊंगा। आप बैठने साथ में मैं आपको जो लेना है इंटरव्यू जो लेना है, पहले वो पंप मोटर ही बोल रहे हैं, पंप मोटर की बात कर रहे हैं, पहले एरिया से बात कर रहे, समझ मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। ईश बसेड़िया ओरिएंटल आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर इंटेक के समर्थकों ने चलाई गोली और बम। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने किया लाठी चार्ज।
जिला प्रशासन और ऑटो चालकों के बीच बैठक रहा विफल, दूसरे दिन भी हड़ताल रहा जारी, आम लोग हो रहे हैं परेशान। नक्सली द्वारा रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह की हत्या के विरोध में धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने किया पेंड ऑफ हड़ताल, जिला प्रशासन से लगाई अपनी सुरक्षा की गुहार। और पानी की समस्या को लेकर बरोड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने बीसीसीएल ए के मुराईडी और मधुकोन आउटसोर्सिंग का किया चक्का जाम। आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9335424055 9939148674। आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं aajkasach.in। नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।